पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का करेंगे संबोधित, व्हीकल सैंपलिंग पॉलिसी पर होगा मंथन। सीएम योगी ले रहे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, आज करेंगे बलिया और गाजीपुर का दौरा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, लाइस लैंड के कारण अब तक 15 लोगों की मौत, अभी भी जारी रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के काफिले पर हमला, रातभर से जारी है एनकाउंटर, इमारत में छिपे हैं लक्ष्य के आतंकी। जौनपुर का रामपुर थाना अब राम भरोसे, पुलिस थाना पर पूरी तरह से पानी में डूबा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने अहम समिट का आयोजन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। समिट का एजेंडा वाहन स्क्रैपिंग का मुद्दा होगा, जिसके बुनियादी ढांचे को स्थापित कर निवेशकों को आमंत्रित करने की कोशिश होगी, ताकि प्रदूषण और लोगों पर बोझ भी कम हो। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे। सरकार संसद से स्क्रैम पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है और मौजूदा समिट उस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ग्यारह अगस्त को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था, आरोप लगे कि हाथापाई तक हुई। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच राज्यसभा सचिवालय ने हंगामे के उस 63 मिनट का मिनट टू मिनट ब्यौरा जारी किया है। 11 अगस्त को शाम 5:45 के बाद राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि हंगामा हाथापाई में बदल गया, जिम्मेदार कौन है और गलती किसकी है, इसी सब पर अब राज्यसभा ने बकायदा लिखित में हंगामे के उस 63 मिनट का एक ब्यौरा दिया है। इस रिपोर्ट में 11 अगस्त की शाम 6:02 से लेकर शाम 7:05 का पूरा ब्यौरा दर्ज है। हंगामे को 18 पॉइंट्स में समझाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5:45 पर सरकार जैसे ही सदन में इंश्योरेंस बिल लेकर आई, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और वेल में पहुंच गए। ठीक 6:02 पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपनी ही पार्टी की सांसद शांता छेत्री के गले में स्कॉर्प का फंदा डाला और नारेबाजी करने लगी। 6:04 पर दोनों सांसद हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गई। ठीक इसके 4 मिनट बाद यानी कि 6:08 पर कांग्रेस सांसद फूलो देवी ने कागज फाड़े और हाउस की टेबल की तरफ फेंके। 1 मिनट बाद कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने भी पेपर फाड़ के फेंके। 6:10 पर कुछ और सांसदों ने टेबल से पेपर छीनने शुरू कर दिए। तो ये पूरा वाक्य दर्ज किया गया, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि संसद में इस तरह की कार्रवाई क्यों स्थगित की गई और इस तरह से क्यों हाथापाई पर नौबत उतर आई, इसका मिनट टू मिनट ब्यौरा राज्यसभा द्वारा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया, जिसके साथ रात भर से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर वाले इलाके से 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया था जब बीएसएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। यह हमला भी हाईवे पर हुआ। इस आतंकी हमले में अभी तक 2 जवान और 2 आम नागरिकों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार इलाके के पास श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और सेना के बल तुरंत इलाके में पहुंच गए और आतंकियों को भगाने का कोई मौका ना मिले ये सुनिश्चित करने के लिए इसे बंद कर दिया। हालांकि आतंकवादी पास की एक बड़ी इमारत में शरण लेने में कामयाब हो गए।
यूपी के लगभग 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के 1200 गांव की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित गाजीपुर और बलिया का दौरा करेंगे। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वो राहत और बचाव कार्य का भी जायजा लेंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और वाराणसी जिलों का दौरा किया था। गाजीपुर में 1 घंटा 40 मिनट तक रहेंगे। बाढ़ पीड़ितों से वार्ता करने के साथ ही अधिकारी समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद अपने राजकीय हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे। स्टेडियम में पानी की वजह से देर शाम पास में स्वतंत्रता सेनानी बीरवर मैगर सिंह खेल मैदान पर हेलीपैड बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया और गाजीपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जौनपुर का भी दौरा किया था, जहां पर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की थी, उनसे उनका हाल जाना था। और आज भी बलिया और गाजीपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशिक्षण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को जो भयंकर लैंडस्लाइड के कारण हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड के कारण जो हादसा हुआ है उसमें अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बीते दिन से ही कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन से जुटी हुई हैं। बस का मलबा भी मिल गया है, करीब 14 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों की तलाश की जा रही है। बुधवार दोपहर को करीब 12 बजे जब यह हादसा हुआ, तब किन्नौर जिले में निगुलसरी के पास सड़क से गुजर रही कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण मलबे में बस, कार, ट्रक दब गए। इसी मलबे के कारण बस गहराई में जा गिरी, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि नीचे सतलुज नदी में जाने से जान बच गई। हालांकि मलबे के नीचे दबे एक टाटा सुमो गाड़ी में मौजूद सभी 8 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में हार्ट रोगियों की जटिलतम सर्जरी कर उन्हें नया जीवन दिया गया। अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डायरेक्टर और विश्व विख्यात सर्जन डॉक्टर गौरंगा मजुमदार ने अब तक हजारों दिल के रोगियों को सफल हार्ट सर्जरी कर उनको नया जीवन दिया है। डॉक्टर गौरंगा दुनिया के उन चुनिंदा सर्जनों में से हैं जो टोटल आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाकर बाईपास करते हैं। डॉक्टर गौरंगा मजुमदार के नेतृत्व में उनकी टीम के सदस्यों ने डॉक्टर शशांक त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज कुमार और कार्डियक एंथेटिक्स डॉक्टर मुजाहिद वजीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए 4 ऐसे केस रखे जो बहुत जटिल थे। समय रहते मेदांत अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने से उन्हें आधुनिकतम विधि से सर्जरी के चलते नया जीवन मिला। जैसा हमने बताया कि ये टोटल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी यूनिक इसलिए है, इसमें पेशेंट का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसमें एक तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहता है, क्योंकि ग्राफ्ट पैटर्न से ज्यादा होती है। पेशेंट का दोबारा इंटरवेंशन लाइक दोबारा सर्जरी या दोबारा एंजियोप्लास्टी का जरूरत नहीं पड़ते हैं, स्ट्रोक वगैरह नहीं होती है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान के अंतर्गत पूरे औरैया जिले में योग शिविर लगाया जा रहा है। इसी के चलते इरवा कटरा ब्लॉक परिसर में 15 दिन योग शिविर लगाया गया। वहीं बड़ी संख्या में महिला और पुरुष योग सीखने आते हैं। योग सिखाने के लिए योग शिक्षक मनीष शर्मा अयोध्या से आए हैं। योग शिक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि योग करने से सारे रोग दूर होते हैं। योग शिविर का कार्यक्रम सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो हाल ही में सरकार द्वारा योग शिक्षक की भर्ती होनी है, जिसमें प्राइमरी स्कूल में बच्चों को योग सिखाया जाएगा, जो भर्ती होगी वो इन्हीं लोगों में से भर्ती की जाएगी, जिसमें 15 दिन बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ
से आपके औरैया डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में, जैसे कि सहार ब्लॉक में कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह आपके एरवा कटरा ब्लॉक में भी आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही होगा कि 15 दिन निःशुल्क। इसमें 15 दिन जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको योग सिखाया जाएगा, उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद में उनको 15 दिवसीय योग। जौनपुर जिले की रामपुर थाना में पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। जिला प्रशासन और सरकार तमाम वादे करते हैं कि पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। बता दें कि जौनपुर थाना पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जौनपुर थाना पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सीतापुर में घाघरा नदी अपने उफान पर है। लगातार गांजरी क्षेत्र में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। वहीं इस बाढ़ के कारण रेवसा ब्लॉक क्षेत्र में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव छोड़कर रोड पर लोग झुग्गी झोपड़ी और पॉलिथीन डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन द्वारा राहत बचाव सामग्री की, तो कोई भी ऐसी बचाव राहत सामग्री नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पास भोजन पकाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, क्योंकि ना ही उनके पास रसोई गैस है और जो जंगल था जहां से लकड़ियां लाते थे वो सब जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा बाहर राहत कार्य सभी कागजों पर ही खाना पूर्ति कर दफन हो जाते हैं। तो बारिश की वजह से ग्रामीणों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जहां से लकड़ी लाते थे वो भी सुविधा अब नहीं रहेगी, जिसके चलते खासा परेशानियां हो रही हैं। खाने पकाने तक के लिए उनके पास लकड़ी तक उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर बात की जाए राहत बचाव कार्य की, तो वो सब खाना पूर्ति के तौर पर कागजों पर किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी तरह की सुविधा उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है। किसानों ने लखनऊ के थाना सरोजनी नगर का घेराव किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी सरोजनी नगर पीड़ित की आवाज को दबाते हैं और भूमाफियाओं से पैसे लेकर उन्हीं की बात सुनते हैं, और हम थाने जाते हैं तो थाना प्रभारी अभद्र भाषा में बात करते हैं। बता दें कि किसानों की भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जा करने को लेकर थाना में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर थाने का घेराव किया गया। किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान सरोजनी थाने पहुंचे और किसानों के बीच जाकर किसानों की पीड़ा सुनी, जिसके बाद किसानों के सामने भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने एसीपी स्वतंत्र सिंह कृष्णा नगर को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि अगर भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आम आदमी के साथ ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक संगठन के मुख्य पदाधिकारी दुर्गादीन लोधी जी के साथ ये जिस अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, एक कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार कर्मचारी की नहीं हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि थाना ब्लॉक तहसील में आने वाले पीड़ितों से प्रेम से व्यवहार किया जाए, उनको कुर्सी पर बिठाया जाए, उनको एक गिलास पानी पिलाया जाए, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान। कानपुर में डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हनुमान चालीसा पाठ शुरू हो गया। बता दें कि धर्मांतरण के आरोप पर मुस्लिम परिवार को पीटने के साथ जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। वहीं मारपीट और नारे लगवाने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने डीसीपी ऑफिस का घेराव किया, जिसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद रही। देखिए, हमारी मलिन बस्ती में रहने वाली नाबालिग दलित बहन के साथ मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़के जो लगातार उनको परेशान कर रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से उनको परेशान, मारना, पीटना, उन पर कमेंट करना, इस तरीके की लगातार उनके साथ बदसलूकी चल रही थी, जिसके चलते हमारी बहनों ने यहां पर तहरीर भी दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बर्रा थाना क्षेत्र में कल हुई मारपीट के संबंध में 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया था। राहुल, अमन और राजेश, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके आगे की विधिक कार्रवाई।
मैनपुरी में एक ई रिक्शा को एक डंपर वाले ने टक्कर मार दी। इस ई रिक्शा में सवार दो बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में उसे सिफई रेफर कर दिया है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार डंपर ड्राइवर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी थी। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो डंपर चालक की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हो गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।